नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 7 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे, यानी कि 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे लेकिन 7 सीटों पर ही उपचुनाव होंगे। यूपी में 3 नवम्बर को मतदान होगा, 10 नवम्बर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। रामपुर की स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होने वाले हैं। तो स्वार सीट पर उपचुनाव होने थे लेकिन फिलहाल नहीं होंगे, और 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 3 तारीख को मतदान होगा, यानी कि 3 तारीख को मतदान प्रक्रिया की जाएगी, वोट डाले जाएंगे, और उसके बाद 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि क्योंकि कोरोना काल है तो इस वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्ण है उपचुनाव करवाना, चुनाव की प्रक्रिया करवाना, और इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है बहुत ही कम समय में चुनाव करवा दिए जाएँ। इसी वजह से आपको बता दें, इसी वजह से बिहार में भी जो विधानसभा चुनाव होने हैं 3 चरणों में वो संपन्न कराए जा रहे हैं। यानी कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, पिछली बार वो 5 चरणों में पूरे हुए थे लेकिन इस बार 3 चरणों में वो कराए जा रहे हैं, और 3 चरणों में वोटिंग होगी। यानी कि पहले 28 तारीख को वोटिंग है, फिर 3, फिर 7 और 10 तारीख को नतीजे। और इसी तरह से देखा जा रहा है, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं वो 3 नवंबर को होंगे, और 3 नवंबर के बाद 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी कि 10 नवंबर को बिहार के नतीजे भी आएंगे और 10 ही नवंबर को उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होंगे उन सीटों के मतदान के नतीजे, यानी कि चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। तो रामपुर की स्वार सीट पर जो चुनाव होने वाला था फिलहाल वो नहीं होगा, वो रद्द कर दिया गया है, और 7 सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट यानी कि परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और आपको बता दें कि 3 तारीख को मतदान होंगे। तो आपको बता दें कि कहां कहां उपचुनाव होंगे। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जो कि फिरोजाबाद यानी कि टुंडला, फिरोजाबाद में टुंडला पर उपचुनाव होना है, और बुलंदशहर में उपचुनाव होगा, नौगावा सादात यानी कि अमरोहा में नौगावा सादात सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। कानपुर नगर की अगर बात करें तो यहाँ घाटमपुर सीट पर उपचुनाव होगा जो कि रिक्त है। तो घाटमपुर सीट कानपुर नगर इस पर उपचुनाव होगा। बांगरमऊ, उन्नाव जहाँ पर उपचुनाव होना है, और मलहनी जौनपुर से, जौनपुर मल, आपको बता दें मलहनी में भी उपचुनाव होना है, देवरिया सदर सीट पर भी उपचुनाव होगा। ये 7 सीटें हैं, और वहाँ स्वार सीट पर जो उपचुनाव होने वाला था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया। तो 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवनीश, 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, 7 सीटें कर दी गई हैं, फिलहाल रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव नहीं होना है। देखिए, अभी चुनाव आयोग ने अब से थोड़ी देर पहले ही इस बात की घोषणा की है, और इन 7 सीटों पर 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को जब बिहार के भी परिणाम आएंगे उसी दिन उत्तर प्रदेश के भी इन महत्वपूर्ण सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसका परिणाम सामने आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 7 सीटों में से 6 सीटें जो है वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास हैं, उनके अलग अलग विधायकों या मंत्रियों के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी, और 1 सीट जो जौनपुर की है मलनी, वहां पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीत करके आए थे, और दूसरी जिस सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, चुनाव आयोग ने वहां का निर्णय अभी रिजर्व रखा है, स्वार की सीट रामपुर की, वो सीट भी समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट थी और उस पर कुछ तकनीकी जो है खामी होने के नाते चुनाव आयोग ने अभी उस पर निर्णय नहीं लिया है। लेकिन जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है उनको लेकर के पॉलिटिकल लड़ाई काफी पहले से शुरू हो चुकी है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी, संगठन के स्तर पर भी तमाम सारी बैठकें हो चुकी थी। अभी हाल में आपने देखा जौनपुर, देवरिया, उन्नाव तमाम सारी जगहों पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी हुई, वहां पर गए, तमाम सारे शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम भी वहां पर हुए, और संगठन के स्तर पर लगातार सुनील बंसल और उनकी टीम तमाम क्षेत्रों में काम कर रही थी, प्रभारी मंत्री और संगठन के भी तमाम सारे लोगों को दायित्व वहां पर दिया गया था। उसी तरह विपक्ष ने अपनी तैयारी जरूर शुरू की, हालांकि अवनीश एक बात देखी जा रही है, लेकिन उपचुनाव की तारीखों के ऐलान भले ही आज हुए हो लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि लगातार दौरा किया गया है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर गए थे, परसों भी उन्होंने जौनपुर और देवरिया सीट का दौरा किया था, परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने भी दौरा किया। तो
बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पर वो काबिज थी उन पर रहे, साथ ही जो समाजवादी पार्टी की सीट थी उस पर भी उसका कब्जा हो। तो एक तरीके से जनता का रुख, या कह सकते हैं विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनका सेमीफाइनल है ये उपचुनाव, जिससे पता चलेगा कि जनता का रुख किस तरफ है। देखिए महत्वपूर्ण है, और इतनी बड़ी संख्या में और हर एक दिशा में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहा है, मतलब पूर्वांचल में भी हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध के क्षेत्र में भी हो रहा है। तो एक नब्ज टटोलने का मौका जरूर है, और विपक्ष के लिए भी एक अवसर है कि अगर वो सरकार को इस अवसर पर पटखनी दे पाता है, ज्यादा ज्यादा सीटें अगर अपनी झोली में ला पाता है तो सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति होगी। एक माहौल आपको याद होगा, फूलपुर और गोरखपुर की लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद विपक्ष के हौसले किस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलंद थे और सरकार डिफेंसिव थी, लेकिन वक्त बदला और परिणाम जब बदले तो फिर एक बार फिर जो है विपक्ष कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हुआ। तो इन तमाम चीजों में खींचतान चलती है, राजनीति यही है, और इसीलिए अब जब चुनाव घोषित हुए हैं दोनों ही तरफ से मशक्कत जारी है। देखना है कि चुनाव के परिणाम जो 10 तारीख को बिहार के साथ आएंगे तो किस दिशा में जो है परिणामों का ऊंट जो है वो करोड़ बदलता है। ठीक, बने रहिए हमारे पास, हमारे साथ अवनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ वन इंडिया पर। सर, उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, कितनी तैयारी? भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर तैयारी कर रखी थी। हमको जरूर दुख है कि हम 8 जीतते, क्योंकि आयोग ने 7 की घोषणा की है, तो 3.5 साल का तो काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और जो हमारा संगठन पत्र है उसके आधार पर हमको पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद और मत हमको मिलेगा और 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मनीष जी, क्योंकि लगातार विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, और इस बार मुद्दे क्या होंगे आपके जनता के बीच में जाने के लिए, पहले तो आप ये बताइए कि मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे? जाहिर सी बात है 3.5 साल की हमारी सरकार है, तो अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव में जाएंगे, और जिस तरीके से 3.5 साल में विकास की नई भारत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लिखी है, और जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी कंट्रोल में रखा गया, मृत्यु दर को कंट्रोल में रखा गया, और साथ साथ राहत प्रदान की गई, और सबसे बड़ी संख्या में कामगार उत्तर प्रदेश में वापस आए, उनको रोजगार मनीष जी, यानी कि इस बार उपचुनाव में आप उपलब्धियां गिनवाएंगे, क्योंकि जो अब तक का कार्यकाल रहा है, जो भी आपने जनता को अभी तक दिया है वो आप जनता के सामने रखने वाले हैं, जिसके तहत आप ये उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विपक्ष जिस तरीके से लगातार मुद्दे उठा रहा है रोजगार को लेकर, और साथ ही कृषि बिल को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है, और ना सिर्फ विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा है बल्कि आजकल के युवाओं में भी ये रोष देखा गया, गुस्सा देखा गया, प्रदर्शन देखा गया, और किसान खुद सड़क पर है कृषि बिल को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, तो उसको लेकर आपको नहीं लगता कि इस उन उपचुनावों में वो जो क्रोध है, जो गुस्सा है जनता की तरफ से, वो हावी हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में केवल बिचौलिया के जो समर्थक लोग हैं वो नाराज हैं, वो दुखी हैं, और वो कॉस्मेटिक आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपने खेतों में है, और इस बिल से किसान आजाद हुआ है 70 साल में, और बिचौलियों के चंगुल से आजाद हुआ है, और जो विपक्ष की हताशा है, निराशा है, वो बेनकाब हुआ है जनता के सामने। तो सर, ये बात किसानों के सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं आप, जो कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक बवाल है? नहीं, संसद के सामने जो आया उसका वीडियो सामने आ गया, 10-20 लोग कांग्रेस के लोग ट्रैक्टर लाद कर लाए और उन्होंने आग लगाई, और मेरा स्पष्ट कहना है किसान की ट्रैक्टर की पूजा करता है उसको आग नहीं लगा सकता, आग लगाने वाले किसान विरोधी हैं और कभी किसान नहीं है। लेकिन सर, यूपी की सड़कों पे तो देखा गया कि किसान खड़ा है प्रदर्शन करने के लिए, चलो संसद में तो कांग्रेस पहुंच गई, सड़कों पर वहां पर कांग्रेस पहुंच गई, लेकिन यूपी में तो किसान है, और ना सिर्फ यूपी में बल्कि कई जगह देखा गया कि किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उनके सामने ये बात मुखरतर से क्यों नहीं रख पा रहे हैं आप, या उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि जो बीच में बिचौलिए थे, जो आड़तिए थे, उनसे उनको वहां पर वो फ्री हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, उनके लिए लाभदायक है, उनको समझाने में क्यों असफल आप रहे? अगर उपचुनाव ये तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 नवंबर से मतदान होना है, 10 नवंबर को इन उपचुनावों के नतीजे आ जाएंगे, अगर इसी तरीके से गुस्सा रहा, क्रोध रहा, प्रदर्शन होता रहा, तो उसका नुकसान देखने को मिल सकता है? कहीं क्रोध नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, और किसान बहुत नाराज है, किसान की गलत छवि को पेश कर रहे हैं, किसान कभी आगजनी नहीं करता, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता कभी भी आगजनी नहीं करता।
ठीक मनीष जी, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एसके वाजपेयी बने हुए हैं। एसके, उपचुनावों को लेकर घोषणा कर दी गई है तारीखों की कि 3 तारीख को ये उपचुनाव होगा। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में चुनाव करवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है और खास तौर पर बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम बात करें इन 8 सीटों की, जिसमें उन्नाव, जौनपुर, देवरिया, फिरोजाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, कानपुर और अमरोहा, ये 8 जिले हैं जिनकी एक एक सीट पर उपचुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर अगर हम इन 8 सीटों के आंकड़ों को देखेंगे तो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बचाने के लिए ज्यादा कुछ है और समाजवादी पार्टी के पास होने के लिए सिर्फ 2 ही सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी जरूर है, खासतौर पर ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो, कोरोना को लेकर लगातार बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो कहीं ना कहीं 8 सीटों पर उसकी झलक हमको जरूर देखने को मिलेगी। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भले ही कितने भी दावे किए जा रहे हो, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है, जब 3 तारीख को मतदान होगा उसके बाद 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं जनता का मूड क्या है उसका लिटमस टेस्ट जरूर इस उपचुनाव के बाद हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपने ये दावे तो सुने होंगे, जितनी भी बातें अभी एसके वाजपेयी ने कही हैं, इन मुद्दों को लेकर आप क्या कहेंगे कि इनका जो नुकसान है या फिर इसका असर उपचुनावों पर दिख सकता है? मनीष जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एसके वाजपेयी, आपने बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे बताए हैं जो लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं, रोजगार को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, किसान बिल को लेकर किसान सड़क पर है, तो इन मुद्दों को लेकर क्या उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ किसान दल है कुछ जो कि सड़कों पर पहुंचे हैं, विपक्ष है जो कि सड़कों पर पहुंचे हैं, लेकिन आम जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो खुश है। बिल्कुल, ये बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, निश्चित तौर पर जब 3 तारीख को मतदान होगा तो उसका प्रतिशत कितना रहता है उससे ये बहुत सारी चीजें साफ होंगी। और जो बची हुई चीजें हैं, 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर वो रिजल्ट ये जरूर बताएगा कि आखिर वर्तमान सरकार को लेकर लोगों के बीच में क्या सोच है, क्योंकि ये 8 जिले हैं और अलग अलग क्षेत्रों के हैं। जहां तक हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की है, उनकी सदस्यता रेप के मामले में रद्द हुई थी, तो कहीं ना कहीं अब वो सीट भारतीय जनता पार्टी को बचाना है, क्योंकि लगातार उसको लेकर सरकार पर आरोप लगे थे। वहीं अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर के घाटमपुर सीट से बीजेपी सरकार में मंत्री रही कमला रानी और सम्मान की बात भी है, क्योंकि अगर वो सीट बीजेपी की जाती है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की सीट रही है, तो बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है। वहीं अगर हम अमरोहा की नौगवा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान की वो सीट है और उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि वो सीट बचाई जाए, क्योंकि 3 साल तक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की सीट रही है। वहीं अगर हम फिरोजाबाद की टुंडला सीट की बात करें तो एसपी बघेल जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, साथ ही साथ सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो सीट बचाना ज्यादा चुनौती है, क्योंकि मंत्री के साथ साथ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो ऐसी स्थिति में वो सीट भी बचाना बीजेपी के लिए जरूरी है और सम्मान की बात भी है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जौनपुर की मल्हनी सीट पर पूर्व मंत्री रहे पारसनाथ यादव की वो सीट थी, वो सीट खाली हुई है। उसके अलावा रामपुर की स्वार सीट जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की है, वो सीट हालांकि उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। तो जो 7 सीटों पर चुनाव होगा तो 1 सीट केवल समाजवादी पार्टी की है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम इस आंकड़े पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए होने के लिए ज्यादा है और समाजवादी पार्टी के लिए पाने के लिए सिर्फ 1 सीट है। अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर उसका गेन जरूर होगा। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो बीएसपी ने भी घोषणा कर रखी है कि वो सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, समाजवादी पार्टी भी इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल विपक्षियों में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये मौका है उन सभी पार्टियों के लिए जो अपनी चुनावी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुद्दे ढूंढने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरता है, तो उपचुनाव उनके लिए एक तरीके से मौका है कि वो खुद को यहाँ पर साबित कर सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मौका जरूर है, क्योंकि अब इन जिलों में चुनाव होने जा रहा है,
तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, लगातार आम आदमी पार्टी पिछले करीब 3 महीने से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव है, छोटे से बड़े मुद्दे को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में संजय सिंह हो या फिर उनके वैभव महेश्वरी हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में अगर हम देखें तो अजय कुमार लल्लू लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी लगातार कई बार गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो छोटे छोटे मुद्दों पर वो ट्वीट कर अपनी राय रख रही हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लगातार इस दौरान उन्होंने कई पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन पार्टियों के लिए जरूर चुनौती होगा कि अगर वो इन मुद्दों को जनता तक सही माध्यम से पहुंचा पाए हैं तो इन सीटों पर उसका फर्क दिखना चाहिए। अगर फर्क दिखता है तो निश्चित तौर पर ये संजीवनी विपक्ष के लिए जरूर होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने ये पार्टियां कुछ नहीं कर पाती हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए जरूर राहत भरी बात होगी। हालांकि हमें इंतजार करना होगा और 3 तारीख तक ये देखना होगा कि जनता का मूड किधर जाता है और 10 तारीख को किसके पक्ष में। बिल्कुल, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, मुद्दे बहुत ज्यादा है और सभी पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इन उपचुनावों में उन सभी को जीत मिले। अब देखना होगा ये कि इन सीटों पर आखिर कौन काबिज हो पाता है।